प्रसंग जहाँ हम चर्चा करें वर्जावत हवन, वो वहाँ आए सुघर से अरण्य कांड की कथा प्रसंग। अरण्य कांड की कथा प्रसंग जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तेन्हा सुघर से जिन नारी है ना, मुनि संसार में चार प्रकार के नारी के बारे में वर्णन होते, तो ये चार प्रकार के नारी कैसर होते संसार में है ना, और माता अनुसुईया और माता सीता के मिलन होते, तो कर बीच के जिन घटना है वही मां थोड़ी की चर्चा करे के प्रयास कर। तो गोस्वामी जी महाराज जी ने कही सका कि सीता मिली बहुर सुशील गणेता, प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज माता सीता पहुंचे कहां, तो सुघर से अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के आश्रम में, और जब वहां आश्रम में पहुंची तो माता सीता और अनुसुईया के भेंट होते। माता सीता जितना माता अनुसुईया के चरण वंदना करते, और चरण वंदना करे के बाद में माता अनुसुईया सुघर से और अपन तीर में आशीर्वाद देवत बैठार थे, और सुंदर से माता सीता ला दिव्य वसन और आभूषण देते। कैसे गोस्वामी जी महाराज की इनका कि वो दिव्य जिन कपड़ा और आभूषण दे सुकर सुंदरता कैसन की सकीन की कि दिव्य वसन भूषण पहिराए जिनी तनो तन अमल सुहाए, ऐसन कपड़ा और ऐसन गहना दिस माता अनुसुईया माता सीता ला जेन हा जीनित नूतन अमल सुहाय, मने जिला रोज रोज पहने जाए तो रोज 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 नवा होते कर, बड़ा विचित्र बात लागते एन सोचे की माता हमन कनो दुकान में जाते कनो कपड़ा ना खरीदने कनो साड़ी सा खरीदा था एन, तो साड़ी ला लुगरा ला कनो खरीदा था, तब फिर साड़ी है जब सबले शुरू घर लेथन और सबले शुरू जब पहनथन तब वो साड़ी है कैसा रहते एकदम नवा रहते चमकत रहते है नी चकाचक, लेकिन जैसने 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 दो बार तीन बार चार बार और जैसने जैसने बार बार पहना जथन वैसने वैसने कर चमक हा कम होते जाते। ठीक है, इस मामला गहना वर्ग होते है नी, कनो सोना के हम झुमका ले हाँ या सोना के हम गुलबल ले हाँ, ओला सबले शुरू हाँ ले रहे तो एकदम सुंदर चमकत रहते, पर चमक के बारे में का कहना है ना, एकदम सुंदर दिखते, लेकिन जैसे जैसे और पहना जतन जैसे जैसे और बहुरत जतन तो ओकर चमक हाँ कम होता जाते, तो ये हमारे सामान्य परिवेश के घटना है। लेकिन यहाँ जैन गहना और जैन कपड़ा माता अनुसुईया माता सीता दिस तो ओकर विशेषता कैसन जैनित नूतन अमल सुहा रोज की रोज नवा हुए कथे है ना, तो बड़ा पटा बात है, ऐसन पीस का कपड़ा और ऐसन का गहना ला दे दिस जिनला पहने से वो रोज 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 नवा होते है नी, पुराना नहीं है बल्कि रोज रोज उज्ज्वल हो जाते नवा हो जाते कि तो कहीं गोस्वामी जी महाराज संत मंतलों का कैसन कपड़ा कैसन गहना दिस से, तो संत मन के है कि मर्यादा के कपड़ा और शील के गहना, जिन महतारी का कहे मर्यादा के कपड़ा और शील के गहना और महतारी के सुंदरता ला का कहना के लिए, मने यदि कोई महतारी का कहे मर्यादा रूपी कपड़ा है यानी और शील रूपी गहना है सुंदर आचरण के गहना है, तब फिर ये कपड़ा और ये गहना ला पहने से रोज 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 का होती की से तो नवा होते जाते की से वे यानी जैसे मर्यादा रखी तब फिर वैसने ऊपर सुंदरता बढ़ी, और शील रूपी गहना रही आचरण की गहना रही तब वो कहा हुई ओकर सुंदरता है तेनहा बढ़त जाही, तो यही मर्यादा की कपड़ा और शील की गहना माता अनुसुईया जिस तेनहा को लदीस माता सीता लदीसवे, और फिर सुगर से नारी धर्म के सुंदर से बात माता अनुसुईया माता सीता ला कहेला धन लिशवे। अब आप चार प्रकार के नारी के बारे में ही वर्णन करी सके है ना, तो चार प्रकार के नारी के बारे में वर्णन करी, तो ये चार प्रकार के नारी आए कौन कौन,
चर्चा करके प्रयास करो छोटे से भजन के बाद। बोलिए श्यावरा रामचंद्र की जय।